हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर 2020 से एक और नया टॉपिक। आज हम कवर करने वाले हैं पुस्तक व लेखक से टॉप 60 क्वेश्चन का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेट पेपर। दोस्तों, जनवरी से सितंबर 2020 के बीच में जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, हम सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटेल भी बताऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बुक किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर है इसका विकास खन्ना, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, जाने माने सेफ हैं विकास खन्ना और इनके द्वारा लिखी गई है ये बुक जिसका नाम है किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। दोस्तों, विकास खन्ना, याद रखिएगा, इन्हें एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 के लिए भी चुना गया है। ये भारतीय सेफ हैं। बुक वॉइसेस ऑफ डिसेंट किसने लिखी है? राइट आंसर है इसका रोमिला थापर, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, वॉइसेस ऑफ डिसेंट इस पुस्तक को लिखा है इतिहासकार रोमिला थापर ने। बुक ए प्रोमिस्ड लैंड किसने लिखी है? राइट आंसर है दोस्तों इसका बराक ओबामा, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के द्वारा लिखी गई है बुक जिसका नाम है ए प्रोमिस्ड लैंड। याद रखिएगा, इसे नवंबर 2020 में लॉन्च किया जाएगा। बुक ए बुके ऑफ फ्लावर्स का विमोचन किसने किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका राजनाथ सिंह, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, हमारे वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बुक का विमोचन किया है जिसका नाम है अ बुके ऑफ फ्लावर्स। दोस्तों, इसके राइटर हैं डॉक्टर कृष्णा सक्सेना। बुक द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव के लेखक कौन हैं? राइट आंसर है दोस्तों इसका करण जौहर, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, फिल्म निर्माता करण जौहर इस बुक के राइटर हैं और ये बुक जुड़वा बच्चों के परवरिश पर आधारित बुक है। पुस्तक लेट अस ड्रीम किसने लिखी है? राइट आंसर इसका पोप फ्रांसिस, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों, इस बुक में पोप फ्रांसिस बताते हैं कि कैसे संकट किसी व्यक्ति को उसके जीवन में आने वाली समस्याओं से निपटने की कला सिखाता है। बुक ब्रेकिंग द कुकून एट द रेट 14 किसने लिखी है? राइट आंसर है दोस्तों इसका राधा नायर, यानी कि ऑप्शन बी। बुक माय लाइफ इन डिजाइन किसने लिखी है? सही आंसर है इसका गौरी खान, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों, गौरी खान, ये शाहरुख खान, अभिनेता शाहरुख खान की पत्नी हैं और इस बुक में गौरी ने एक डिजाइनर के रूप में अपनी यात्रा के बारे में लिखा है। बुक जिन्ना हिज सक्सेस फेलियर एंड रोल इन हिस्ट्री किसने लिखी है? राइट आंसर है इसका इश्तियाक अहमद, यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों, याद रखिएगा, इश्तियाक अहमद ये स्वीडिश राजनीतिक वैज्ञानिक और पाकिस्तानी मूल के विख्यात लेखक हैं। इनका नाम है इश्तियाक अहमद और ये बुक मोहम्मद अली जिन्ना के जीवन पर आधारित है। बुक आज़ादी फ्रीडम फासिज्म फिक्शन किसके द्वारा लिखा गया? राइट आंसर है इसका अरुंधति रॉय, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, इस बुक में एक निबंध संग्रह है। बुक क्रिकेट ड्रोना किसने लिखी है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर है आनंद बासु, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, क्रिकेट ड्रोना इस बुक के लेखक हैं आनंद बासु, ये एक क्रिकेट पत्रकार हैं। दोस्तों, ये बुक प्रसिद्ध कोच वासुदेव जगन्नाथ परंजम्पे पर आधारित है। इस बुक में गवास्कर, तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा जैसे क्रिकेटरों के कैरियर को आगे बढ़ाने में परंजम्पे के प्रभाव के बारे में बताया गया है। बुक नेशनल सिक्योरिटीज चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव का विमोचन किसने किया?
राइट आंसर है इसका भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने, यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों ये राष्ट्रीय सुरक्षा पर लिखी गई बुक है। ग्रीन लाइट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर है इसका मैथ्यू मैकोनागी, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों ये बुक इनकी ऑटोबायोग्राफी है। किसने क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया नामक पुस्तक को लिखा है? राइट आंसर है इसका बिरल आचार्य, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर हैं बिरल आचार्य। बुक सियासत में सदस्यता का विमोचन किसने किया? राइट आंसर है इसका नीतीश कुमार, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बुक को विमोचन किया है और ये बुक बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने लिखी है। बुक विशेष कोड टू बिन के लेखक कौन हैं? राइट आंसर है इसका निरुपमा यादव, यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों निरुपमा यादव ये एक स्पोर्ट्स वुमेन लेखिका हैं। बुक रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियास कोवर्ट ऑपरेशन किसने लिखी है? सही आंसर है दोस्तों इसका यतीश यादव, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा ये एक जांच पड़ताल करने वाले पत्रकार व लेखक हैं। स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक किसने लॉन्च की? राइट आंसर है इसका गजेंद्र सिंह शेखावत। याद रखिएगा केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वर्तमान केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के साथ मिलकर इस बुक को लॉन्च किया। पुस्तक अमेजिंग अयोध्या किसके द्वारा लिखी गई है? इम्पोर्टेंट बुक है ये और इसका राइट आंसर है नीना राय। दोस्तों ये बुक शहर के बारे में प्रामाणिक जानकारी प्रदान करेगी। किताब मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी किसने लिखी है? राइट आंसर है इसका योगेंद्र यादव, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा योगेंद्र यादव एक राजनीतिक विश्लेषण हैं। बुक कनेक्टिंग कम्युनिटिंग चेंजिंग का विमोचन किसने किया? राइट आंसर है इसका प्रकाश जावड़ेकर, यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों ये बुक उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के 3 साल के कार्यकाल के बारे में बताती है। अवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड के लेखक कौन है? राइट आंसर है दोस्तों इसका दलाई लामा, यानी कि ऑप्शन ए। पुस्तक कोरोना कविता काल के लेखक कौन है? राइट आंसर है दोस्तों इसका पी एस श्रीधरन पिल्लई। याद रखिएगा ये वर्तमान में मिजोरम के राज्यपाल हैं। बुक फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर 1972 to 2020 किसने लिखी है? राइट आंसर है इसका अर्जुन सुब्रमण्यम, यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों अर्जुन सुब्रमण्यम ये एक रिटायर्ड एयर वॉइस मार्शल हैं। इंडिया टुमारो कन्वर्जन विथ द नेक्स्ट जनरेशन पॉलिटिकल लीडर्स नामक पुस्तक किसने लिखी? राइट आंसर है दोस्तों इसका प्रदीप छिब्बर, यानी कि ऑप्शन सी। बुक वन अरेंज्ड मर्डर के लेखक कौन है? राइट आंसर है दोस्तों इसका चेतन भगत, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बुक है ये वन अरेंज्ड मर्डर और इसके लेखक हैं चेतन भगत। बुक हु पेंटेड माई लस्ट रेड किसने लिखी है? राइट आंसर है इसका श्री अय्यर, यानी कि ऑप्शन बी। पुस्तक ग्रैंड पेरेंट्स बैक टू स्टोरीज किसने लिखी है? राइट आंसर है दोस्तों इसका सुधा मूर्ति, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा इस बुक का नाम ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज और इस बुक को लिखा है सुधा मूर्ति ने। रनिंग टुवर्ड्स मिस्ट्री द एडवेंचर्स ऑफ अनकन्वेंशनल लाइफ किसने लिखी है? राइट आंसर है इसका तेन जिन प्रियदर्शी, यानी कि ऑप्शन ए। उपन्यास द एंड गेम के लेखक कौन हैं? राइट आंसर है इसका हुसैन जैदी, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा हुसैन जैदी ये एक क्रिमिनल राइटर हैं, यानी कि ये अपराध से संबंधित नोवेल लिखते हैं। सूरज कदे मर्दा नहीं नामक पुस्तक किसने लिखी? इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों ये और इसका राइट आंसर है बलदेव सिंह, यानी कि ऑप्शन सी। ये पुस्तक स्वतंत्रता सेनानी ऊधम सिंह के जीवन पर आधारित है। His Holiness the 14th Dalai Lama an illustrated biography किसने लिखी है? राइट आंसर है इसका तेनजिन गेये टेथोंग, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों
ये बुक दलाई लामा के जीवन पर आधारित है। किसके जीवन पर? दलाई लामा के। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया बुक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर इसका स्टीव वॉ, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों स्टीव वॉ ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर हैं। द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड किसने लिखी? राइट आंसर है इसका हमारे वर्तमान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने, यानी कि ऑप्शन सी। द योगनी पोएम्स लव एंड लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी? राइट आंसर है दोस्तों इसका अदिसा दास, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा डॉक्टर अदिसा दास ये ओडिशा की जानी मानी कवित्री हैं। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड पुस्तक का विमोचन किसने किया? राइट आंसर है इसका हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। और याद रखिएगा इस बुक के लेखक हैं वी पट्टाभी राम, वी पट्टाभी राम। किसने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर बुक को लिखा? राइट आंसर है इसका उर्जित पटेल, यानी कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल। दोस्तों इस बुक को हार्पर कॉलिंस इंडिया ने प्रकाशित किया है। किसने गेटिंग कम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनरी गाइड फॉर इंडिया पुस्तक को लिखा है? राइट आंसर है इसका आर सी भार्गव, यानी कि ऑप्शन बी। पुस्तक ए सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? राइट आंसर है इसका रस्किन बॉन्ड, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों रस्किन बॉन्ड ने इस बुक में अपने 16 वर्ष की उम्र के अनुभव को साझा किया है। विमोचित पुस्तक इफ इट ब्लीड्स के लेखक कौन हैं? राइट आंसर है इसका स्टीफन किंग, यानी कि ऑप्शन ए। इस बुक को हैचेट इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने तगमंस जनजाति पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया? राइट आंसर है इसका अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा तगमंस जनजाति की एक भाषा है, ये अब अरुणाचल प्रदेश से लुप्त होती जा रही है, इसलिए इस भाषा पर लिखी इस पुस्तक का विमोचन किया है अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने। किसने सॉरी दोस्तों किताब लीजेंड ऑफ सोहेल देव किसके द्वारा लॉन्च की गई? राइट आंसर है इसका अमीश त्रिपाठी, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा अमीश त्रिपाठी ने अपनी फिक्शन बुक जिसका पूरा नाम है लीजेंड ऑफ सोहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया का विमोचन किया। किसने सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 नामक बुकलेट को लॉन्च किया? राइट आंसर है इसका हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। इसे ऑनलाइन सुरक्षित रहने के बारे में छात्रों और शिक्षकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया। क्लारा एंड द सन पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर है इसका काजुओ इशिगुरो, यानी कि ऑप्शन सी। किसने अपनी नई पुस्तक हैशटैग मीटू को लॉन्च किया? आंसर है दोस्तों इसका कर्णपुरी, यानी कि ऑप्शन सी। किसने वन ईयर ऑफ मोदी 2.0 टुवार्ड्स ए सेल्फ रियलाइज्ड इंडिया ई बुकलेट का विमोचन किया? राइट आंसर इसका सूचना मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों इस बुक में यानी कि इस ई बुकलेट में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष की उपलब्धियों के बारे में बताया गया। बिजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो नामक पुस्तक का विमोचन हुआ, इसके लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसका राइट आंसर है उपर्युक्त दोनों, यानी कि कर ऑप्शन सी। याद रखिएगा बिजयंत एट कारगिल पुस्तक का विमोचन किया गया, और ये पुस्तक वीर चक्र पुरस्कार विजेता कैप्टन बिजयंत थापर की जीवनी है। इस पुस्तक के लेखक हैं बिजयंत के पिता कर्नल BN थापर और नेहा द्विवेदी। दोस्तों नेहा द्विवेदी जो शहीद बिजयंत की बेटी हैं। होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन्स के ई बुक का विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन हैं? राइट आंसर है इसका रस्किन बॉन्ड, यानी कि ऑप्शन बी। इस पुस्तक में रस्किन बॉन्ड ने अपने बचपन में नाव रेलगाड़ियों और विमानों के कुछ यादगार रोमांच का वर्णन किया है। प्रिंस हैरी और मेघन मार्कल के जीवन पर लिखी गई पहली बायोपिक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर है इसका उपर्युक्त दोनों, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा ओमी स्कूवी और कैरोलिन डूरेंट इन दोनों ने इस बायोपिक को लिखा है। दोस्तों ये दोनों ही शाही पत्रकार हैं।
वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी लॉन्च की गई, इसके लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट बुक है ये, और इसका राइट आंसर है फांग फांग, यानी कि ऑप्शन बी। किसने ई बुक प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड को लॉन्च किया? राइट आंसर है इसका प्रहलाद सिंह पटेल। दोस्तों ये ई बुक महान पुरातात्विक प्रोफेसर बीबी लाल के शताब्दी वर्षगांठ के अवसर पर लॉन्च की गई। किसने कोविड कथा नाम से एक मल्टीमीडिया गाइड को लॉन्च किया? आंसर है इसका हमारे वर्तमान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, यानी कि ऑप्शन बी। इसमें कोरोना वायरस से संबंधित दिलचस्प और इंटरेस्टिंग फैक्ट को डिटेल के साथ बताया गया है। इम्पोर्टेंट बुक है दोस्तों, द आर्ट ऑफ हर डील नामक पुस्तक का लेखन किसने किया है? राइट आंसर है इसका मैरी जॉर्डन। याद रखिएगा, वॉशिंगटन पोस्ट के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाली अमेरिकी रिपोर्टर हैं मैरी जॉर्डन, और इस बुक का पूरा नाम है द आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप। मैसिया मोदी ए ग्रेट टेल ऑफ एक्सपेक्टेशन पुस्तक का विमोचन हुआ, इसके लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों ये, और इसका राइट आंसर है तवलीन सिंह, यानी कि ऑप्शन बी। लेगेसी ऑफ लर्निंग पुस्तक का विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन है? सही आंसर है दोस्तों इसका सविता छावड़ा, यानी कि ऑप्शन बी। मिसिंग इन एक्शन द प्रिजनर्स हु नेवर केम बैक नामक पुस्तक का को लॉन्च किया गया, इसके लेखक कौन है? राइट आंसर है इसका चंदर सुता डोगरा, यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों ये बुक 1965 और 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के मिशन के दौरान लापता भारतीय सैनिकों से संबंधित है। किसकी बायोग्राफी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ का विमोचन किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका मनोहर पारिकर, यानी कि ऑप्शन ए। पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के मुख्यमंत्री स्वर्गीय मनोहर पारिकर, याद रखिएगा, इसके लेखक हैं सदगुरु पाटिल और माया भूषण नागवेकर। दोबारा नाम बताता हूं मैं, इसके लेखक हैं सदगुरु पाटिल और माया भूषण नागवेकर। इन दोनों ने संयुक्त रूप से इस बुक को लिखा है। बुक माय एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट का विमोचन किसके द्वारा किया गया? राइट आंसर है इसका हामिद अंसारी। दोस्तों पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, याद रखिएगा, इस बुक के राइटर है भालचंद्र मुंगेकर, जो कि भारत के जाने माने अर्थशास्त्री और पूर्व राज्यसभा सदस्य हैं। किसके द्वारा पुस्तक क्रॉनिकल्स ऑफ चेंजेस चेंज चैंपियन का विमोचन किया गया? राइट आंसर है इसका स्मृति ईरानी, वर्तमान केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी। द एडवेंचर्स ऑफ द डेयर डेविल डेमोक्रेट नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? राइट आंसर है इसका उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने, यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों ये बुक नवीन पटनायक के पिता पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बीजू पटनायक के जीवन पर आधारित है। विमोचित पुस्तक द थिन माइंड मैप बुक के लेखक कौन है? राइट आंसर है दोस्तों इसका धर्मेंद्र राय, यानी कि ऑप्शन सी। ए चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया, ये किसकी आत्मकथा है? सही आंसर है दोस्तों इसका प्रोफेसर के रामकृष्ण राव, यानी कि ऑप्शन डी। किसकी आत्मकथा द रिलेंटलेस का विमोचन किया गया? राइट आंसर है इसका यशवंत सिंह, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, इसका विमोचन पूर्व स्वर्गीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी ने किया था। इस पुस्तक में सिन्हा के आम व्यक्ति से राजनीति के ऊंचाइयों को छूने की जीवन यात्रा का वर्णन है। दोस्तों आज का वीडियो यही एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।